children, how are you all? i'm sure you all are doing good. let's start today's chapter, soil erosion and conservation. let's learn about soil and its formation, layers of the soil, importance of soil, soil erosion and its agents, and soil conservation and ways to conserve soil. what is soil? the soil is the top layer of the earth's surface. it is made up of dirt and rocks. it is filled with air and life. a variety of organisms like insects, earthworms, live in soil.

बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपके पता है आपके सॉइल में रहते हैं जैसे कि अर्थव है और भी बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं इसके अलावा जो आपकी सॉइल है वो प्लांट्स के लेके स्टोर हाउस का काम करते हैं जिसमें वाटर होता है मिनरल्स होता है इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स को सॉइल शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और बिना सॉइल के क्या होगा ना तो ग्रास होगी ना क्रॉप होगी ना ट्रीज होंगे ना हमारे लिए खाना होगा ना ही कि दूसरे एनिमल्स के लिए टी नो ब्रिक्स सैंड सीमेंट आर सॉइल प्रोडक्ट्स दैट आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस जब कभी भी कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है घर का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है सैंड और सीमेंट और ये सारे ही आपके सॉइल प्रोडक्ट होते हैं लेयर ऑफ द दर्थ सर्फेस लेप सॉइल द अपर मोस्ट लेयर ऑफ इज कॉल्ड टॉप सॉयल इट इज वेरी फाइन सॉइल एंड ऑल्सो कंटेन्स ह्यूमस डीकेड एनिमल्स एंड प्लांट सो इट इज अ फोटाइल लेयर अब आपकी सॉइल के ना काफी सारे लेयर्स हैं राइट तो सबसे पहले टॉप मोस्ट यानी कि टॉप सॉइल अपर मोस्ट लेयर को बोलते हैं टॉप सॉइल सॉइल होती है जिसमें न्यूट्रेंट या फिर ह्यूमस होता है तो ये सबसे फर्टाइल लेयर होती है नेक्स्ट इज सब सॉइल द लेयर बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सब सॉइल अब टॉप सॉइल के नीचे वाली जो लेयर है दैट इज सब सॉइल इट इज मेड अप और बिग पीसेज ऑफ रॉक दिस लेयर इज हार्ड एंड लेस पोरस देन द टॉप सॉयल अब ये जो लेयर होती है बिग पीसेज ऑफ रॉक से बनी होती है तो ये थोड़ी सी हार्ड होती है द बेड रॉक इट लाइज बिलो द सब सॉइल इट इज़ अ रॉकी लेयर एंड इज अ स्टोर हाउस फॉर वाटर अंडर द अर्थ अब बेड रॉक जो है सब सॉइल के नीचे है सबसे पहले आपका टॉप सॉयल है देन सब सॉयल एंड उसके नीचे बेड रॉक ये रॉकी लेयर होती है और यहाँ पे आपका वाटर आपका स्टोर्ड होता है Formation of soil. Soil formation is a very slow process. It is formed by the breaking up of rocks into tiny pieces by the heat of sun, moving wind, and running water. This is called weathering. Rocks have cracks in them. When water gets into these cracks and remains there, it may freeze in cold weather and form ice. Ice is solid and exerts pressure, thus breaking the rock. Over millions of years, repeated weathering breaks the rock into small particles of sand. These these particles 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 break into fine particles by continuous action of of weathering. With with the passage of time, these particles mix up with dead and and decaying matter called humus form soil. अब कैसे है? एक साल दो साल दस साल बीस साल में नहीं बनता तो स्लो प्रोसेस होता है रॉक का ब्रेकिंग अप होता है मतलब छोटे छोटे उसमें से पीसेस टूट जाते हैं आपके सन की हीट की वजह से या मूविंग विंड है उसकी वजह से या रनिंग वाटर है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है वेदरिंग आपके रॉक्स में क्रैक्स होते हैं उनमें जब बारिश का पानी भर जाता है तो कई बार क्या होता है कि कोल्ड वेदर में वो फ्रीज हो जाएगा अब वो आइस बनेगा तो आइस सॉलिड है तो प्रेशर एग्जर्व करता है तो इससे क्या जो है रॉक ब्रेक डाउन हो जाती है तो मिलियंस ऑफ इयर्स तक ये जो रिपीटेशन है ये होता रहता है यानी वेदरिंग होता रहता है उसके बाद जो रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपकी कन्वर्ट हो जाती है कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल सॉइल इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स ग्रेवल्स एंड एंड क्ले पार्टिकल्स मिनरल्स यूमस एनिमल्स एंड डेड प्लांट टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्मी एंड बैक्टीरिया वाटर एंड एयर अब सॉइल आपकी बहुत सारी चीजों से बनी है राइट right? ये सारी चीजें जो है आपकी मिलकर क्या बनाती हैं सॉइल बनाती है डो यू नो इट टेक्स अबाउट टू हंड्रेड टू फोर हंड्रेड ईयर्स जस्ट वन सेंटीमीटर ऑफ सॉइल आपको मालूम है सॉइल की सिर्फ एक सेंटीमीटर लेयर को बनने में कम से कम दो सौ से चार सौ साल लगते हैं

अब जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है जैसे कि बारिश आ गई या बहुत तेज हवा चल रही है या फ्लड है इनकी वजह से क्या होता है कि वो रिमूव हो जाती है अब सॉइल इरोशन होगा तो जो सॉइल है वो लेस वर्टाइल हो जाएगी और उसमें फिर जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी फैक्टर्स कॉजिंग सॉइल इरोशन इरोशन बाय रेन वाटर हैवी रेन कॉज फ्लड्स फ्लडेड रिवर्स इन रनिंग वाटर रिमूव द टॉप सॉइल

पानी से जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसके बाद बाढ़ आ जाती है है ना अब जो फ्लडेड रिवर है या जो रनिंग वाटर है वो टॉप सॉइल को रिमूव कर देता है क्योंकि क्या होता है रनिंग वाटर से क्या होता है कि सॉयल इरोजन आपके स्पेसिसली आपके हिली स्लोप्स में होते हैं क्योंकि वाटर जो है वो स्लोप्स में रन करता है ग्रेट स्पीड से लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेन्स में नहीं होता प्लेन्स में भी इरोजन होता है वाटर के थ्रू Next is erosion by wind. In desert and open lands, winds blow strongly, it carries away a lot of topsoil, which is rich in humus. When this fertile layer of soil is gone, new plants cannot grow well in the depleted soil. Quite often the roots of plants lose their soil cover and plant dies. Did you know that the farmers of drier parts of Haryana and Rajasthan plant rows of trees around their fields? They do so because trees reduce the speed of the winds and thus prevent the soil erosion. Uh, soil erosion wind का भी एक बड़ा रोल होता है सॉइल इरोजन में डेजर्ट में आपके या ओपन लैंड्स है विंड जो है बहुत ही स्ट्रांगली ब्लो करती है तो क्या होता है कि जो टॉप सॉइल होती है ये हवा अपने साथ उसे बहा के ले जाती है और इसके बाद क्या होता है कि वो जो फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल है वो तो चली गई है तो नए प्लांट्स फिर कैसे ग्रो करेंगे उस डिप्लीटेड सॉइल में तो इस तरह से क्या होता है और कई बार क्या होता है कि जो रूट्स होती है ना प्लांट्स की वो अपने सॉइल कवर को ही लूज़ कर देते हैं अब वो सॉइल कवर को लूज़ कर दिया तो प्लांट्स को कैसे होल्ड करेंगे इससे प्लांट जो है वो डाई हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ Deforestation, it is the cutting down of trees in large numbers. Man has cleared large areas of forest for his requirement of wood, living space, etc. This results in soil erosion. ab human activities bhi ek important role play karti hain soil erosion mein sabse pehle deforestation. Deforestation ka matlab hota hai large scale of cutting down of trees. अगर आप trees को large scale में cut करते हैं, forest को cut करते हैं, और man करता है ये अपने requirement को पूरा करने के लिए क्योंकि उसे space चाहिए, उसे लकड़ियाँ चाहिए, तो इससे soil erosion हो रहा है.

ब्लॉक किया जाता है तो सॉइल क्या होती है वो लूज हो जाती है और ईजिली इरोड हो जाती है जरा सी अगर हवा चलती है या फिर आपका पानी आता है तो सॉयल कंजर्वेशन सॉइल इज अ वेरी वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्स एंड शुड बी कंजर्व सॉइल कंजर्वेशन इज अ प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोशन अब सॉयल को कंजर्व करना हमारी ड्यूटी है सॉइल एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही वैलेबल नेचुरल रिसोर्स है तो देखते हैं क्या मैथड्स हैं जिससे हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं डिफरेंट मैथड्स आर अडॉप्टेड टू चेक द सॉइल इरोशन नंबर वन प्लांटिंग मोर ट्रीज Planting tree is an effective way of reducing soil erosion. Plantation of trees on a large scale is called afforestation. Afforestation is useful both in plains and in the hilly areas. The Roots bind the soil together, hence protect it from being eroded. अब soil conservation के लिए सबसे पहला method है आपका planting more trees. इससे क्या होता है कि इससे soil erosion आपका reduce होगा. Plants को जब हम large scale में plant करते हैं तो आता है इसको afforestation. और afforestation आपका plains और hilly areas दोनों में ही useful रहता है. Terrace farming in hilly regions.

तो इसमें क्या होगा कि अगर हम हिल के स्लोप को क्लियर कर देंगे फार्मिंग के लिए तो क्या होगा रोन वाटर जो है वो नीचे की तरफ फ्लो करता है एंड उसके बाद ग्रेट फोर्स के साथ क्या होगा कि जो फर्टाइल लेयर है यानी जो टॉप सॉयल है वो रिमूव हो जाएगी तो इसीलिए जो फार्मर्स हैं वो हिल्स को कन्वर्ट कर देते हैं स्टेप्स में क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए और इसे बोलते हैं हम टेरेस फार्मिंग अवॉइड लिविंग द सॉयल बेयर विंड्स ब्लू ऑफ सॉयल फ्रॉम बेयर फीस

रेनी सीजन में क्या होता है कि जो आपके रिवर्स है वो ओवरफ्लो करती है फर्टाइल टॉप सॉइल पे राइट right? तो इसीलिए जो रिवर बैंक है जो नदी का किनारा है उस उसमें बर्नस बनाए जाते हैं यू नो डू नॉट अलाउ द रेन वाटर टू फ्लो विद अ ग्रेट फोर्स द दॉल इज कंजर्व यू कैन सी इन टेर ऑफ आसम एंड दार्जिलिंग वेट इज ग्रोन इन वे आपको मालूम है जो टेरेसेज होते हैं वो रेन वाटर को अलाउ ही नहीं करते कि वो ग्रेट फोर्स के साथ फ्लो करें तो इसीलिए सॉइल जो है आपकी कंजर्व हो जाती है आपके जो हिली रीजनस है असम एंड दार्जिलिंग वहाँ पर टी को ग्रो किया जाता है लार्ज स्केल में मेकिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन रिवर ओवरफ्लो ऑन द रिवर रेनी सीजन में क्या होता है तो इसीलिए रिवर बैंक में किनारे पे बर्ंड बनाए जाते हैं दीज बंट वर्क इज अ बैरियर एंड प्रिवेंट रिवर वाटर फ्रॉम फ्लोइंग विद फोर्स इन टूल अब ये बंस जो है काम करते हैं एंड रिवर वाटर को प्रिवेंट करते हैं ग्रेड फोर्ड के साथ फ्लो करने में कवर क्रॉप्स कवर क्रॉप्स आर क्रॉप्स लाइक ग्रासेस लिग्यूम्स आर आर ग्रोन ऑन फार्मलैंड आफ्टर अ क्रॉप हैज बिन हार्वेस्टेड एंड द नेक्स्ट क्रॉप इज प्लांटेड कवर क्रॉप्स प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बींग इरोडेड एंड इनक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कवर क्रॉप्स आपके क्रॉप्स होती है जैसे कि ग्रास हो गया लिग्यूम्स यानी दालें हो गए जो फार्मलैंड में ग्रो किया जाता है जब क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है एंड नेक्स्ट क्रॉप को प्लांट किया जाता है तो ये कवर क्रॉप्स क्या करते हैं सॉइल को इरोड होने से प्रोटेक्ट करते हैं बाय मेकिंग एम्बैकमेंट्स

एडवाइस द बेस्ट वे टू कंजर्व सॉयल इज बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड कीपिंग अर्थ ग्रीन सबसे बढ़िया तरीका है सॉइल को कंजर्व करने का कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करें नेक्स्ट वैम्बो सॉइल इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स यू टू दीट ऑफ द सन रेन वॉटर एंड वेन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सॉयल इज कॉल्ड सॉयल इरोशन वेन रनिंग वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज कॉज सॉइल इरोशन देखिए सॉइल आपकी पहनती है जब आपकी रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती है सन की हीट की वजह से रेन की वजह से वॉटर की वजह से टॉप सॉयल जो रिमूव हो जाता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन ओके एंड सॉइल इरोजन आपका किसकी वजह से होता है रनिंग वाटर से विंड से या फिर कुछ ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन विंड कॉज इज सॉइल इरोजन इन डेजर्ट्स सॉइल इज कंजर्व बाई ग्रोइंग ग्रास प्लांटिंग प्लांट्स एंड ट्रीज मेकिंग टेरस फील्ड ऑन हिल स्लोब्स एंड बिल्डिंग डैम्स एंड एम्बैकमेंट्स ऑन रिवर सॉइल इरोजन डेजर्ट में विंड की वजह से होता है राइट और सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं ग्रास को ग्रो करके ज़्यादा से ज्यादा प्लांट्स और ट्रीज लगा के टेरेस फील्ड बना के हिल स्लोप्स में या फिर डैम्स या फिर एम्बैकमेंट्स बना के रिवर्स पे चिल्ड्रन आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा आज इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे